92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी पोद्दार बाबू की लव स्टोरी, बिना किसी एड ब्रेक के। पोद्दार बाबू से सिर्फ 3 साल छोटे उनके भतीजे विक्की की बारात निकलने ही वाली थी। विमल बैंड पार्टी ने बैंड बजा बजा के माहौल बनाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले के 2-3 आवारा किस्म के लड़के बैंड की धुन पे आड़े तिरछे कमर लचका रहे थे। उधर घर के अंदर दूसरा ही रौला मचा हुआ था। दूल्हे की बहन ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, लेकिन उसके लहंगे के साथ की मैचिंग चूड़ियों का डिब्बा न जाने कहां गायब हो गया था। हाय तौबा मचा रखी थी उसने। दूल्हे की माँ जानकी, उनका तो जैसे एक पैर यहाँ है दूसरा वहां, जहां नहीं जाती है वहीं काम बिगड़ जाता है। अरे सुबह ही देखो, हलवाई ने गाजर के हलवे में घी का पूरा टिन उड़ेल दिया था। और वो सुशीला, पूजा की थाली में पान का फटा हुआ पत्ता रखने वाली थी। वो तो हमने देख लिया, वरना हो जाता ना अपशकुन। कुछ लोग इंतजाम में व्यस्त थे, कुछ व्यस्त दिखने की कोशिश कर रहे थे, और इन सब से अलग हमारे पोद्दार बाबू यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शादी तो उनके भतीजे की थी, वो भी तो दूर के रिश्ते वाले, लेकिन पोद्दार बाबू भी किसी दूल्हे से कम नहीं समझ रहे थे खुद को। 3 बार प्रेस करवाए हुए जोधपुरी सूट में हरे रंग का पोस्टर लग रहे थे। पोद्दार बाबू ने पूरे जतन से 1 घंटा लगा के हेयर जेल से अपने कंधों तक लंबे बाल सेट किए, परफ्यूम के करीब करीब पूरी शीशी खुद पे उड़ेल डाली और गुलाब का एक फूल शेरवानी की जेब में सजा दिया। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद जब उनको यकीन हो गया कि उन्होंने लीप पोत की अपनी उम्र 3-4 साल घटा ली है, तब जाके अपनी मूछों पर ताव देते हुए पोद्दार बाबू आईने के सामने से हटे। पोद्दार बाबू की एक ही व्यथा है, जो सोचते हैं वो कभी हो नहीं पाता। पैदा होने से पहले तो सोचने का मौका नहीं मिला, लेकिन जब से पैदा हुए हैं तब से यही सोचते आ रहे हैं कि किसी राजा रजवाड़े के घर में ना सही, किसी नवाब शेख जमींदार के घर ही पैदा हो जाते। चलो पैदा ना हुए, पर उनके मासूम चेहरे पर रीझ के कोई मंत्री संतरी उनको गोदी ले लेता। अरे कोई सुंदर सुशील गृह कार्य में दक्ष अमीर कन्या उनको अपना वर चुन लेती, या वो खुद ही कोई हीरो वीरो बन जाते। लाख जतन किए मोरे पिया ने, पर ना तो वो हीरो बन पाए, ना किसी रईस व्यापारी को उनको अपना दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड सन बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। झक मार के उनको खुद ही अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करनी पड़ी। हुनर तो देखिए पोद्दार बाबू में कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ 35 साल की उम्र में अच्छा भला कारोबार खड़ा कर लिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन भाई पैसा खर्चा करने के लिए घर में कोई होना, मतलब होनी भी तो चाहिए ना। माँ बाबू जी तो उनको काम का आदमी बनता देखने का सपना देखते हुए 15 साल पहले ही स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुके थे। बाकी पोद्दार बाबू के ना आगे कोई ना पीछे कोई, और 2 साल पहले अचानक पोद्दार बाबू के दिव्य चक्षु खुले और उनके अंदर से एक आवाज आई कि हे वत्स, तुम्हारे विवाह की अवधि बीती जा रही है, अब वक्त आ चुका है जब तुमको तन मन धन से अपने लिए सुयोग्य कन्या की खोज शुरू कर देनी चाहिए। पोद्दार साहब के हिसाब से उनकी शादी का वक्त 2 साल पहले आ चुका था, पर उनकी खोज अब तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए दोस्तों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, जिसकी शादी में मौका मिलता पोद्दार साहब पहुंच जाते बन ठन के अपना कैमरा लेके। शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए किसी और की शादी से अच्छी कौन सी जगह होती भला। वो अलग बात है कि जब लड़की से बात करने की बारी आती तो पोद्दार बाबू की हालत उस छात्र जैसी हो जाती जिसको टीचर ने अचानक 17 का पहाड़ा पूछ लिया। पर उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार वो नहीं चुकेंगे। यहां पोद्दार बाबू तैयार होकर बाहर निकले, उधर बारात नाचते गाते दुल्हन के घर की ओर रवाना हो गई। पोद्दार बाबू को मालूम था कि विक्की के ससुराल में खूबसूरत हसीनाओं की फौज है, और उनको पूरी उम्मीद थी कि इतनी हसीनाओं में से कोई ना कोई तो उनके लायक जरूर होगी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। दुल्हन के घर पहुंचकर बारातियों की फौज खाने पे टूट पड़ी, पर पोद्दार बाबू की निगाहें और उनका कैमरा घरातियों की भीड़ में उस नगीने को ढूंढ रहे थी जिसको भगवान ने सिर्फ उनके लिए बनाया था। दिखाने के लिए कभी कभी वो कैमरे से एकाध फ्लैश चमका देते। हॉल में कई चेहरे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चांद अब तक नजर नहीं आया था। जयमाला की रस्म शुरू हुई। लाल जोड़े में लिपटी, होठों पे लजीली मुस्कान लिए शर्माई सकुचाई दुल्हन अपनी रंग बिरंगी बहनों और सहेलियों के साथ जयमाल के लिए आ रही थी।
पोद्दार साहब मंच के किनारे पंजों के सहारे खड़े होके मंच के बीच की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी। पोद्दार साहब चौंके, पीछे मुड़के देखा तो सितारों जड़ी नारंगी साड़ी में सजी एक सुंदरी हाथों में फूलों का थाल लिए खड़ी थी। आप ये फूलों का थाल उनको दे देंगे? सुंदरी ने मंच के बीचों बीच खड़े दुल्हन के भाई की ओर इशारा किया। पोद्दार बाबू को लगा जैसे उनके दिल की घड़ी के सेल खत्म हो गए हों। फूलों का थाल क्या, इस अप्सरा के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकते थे। जयमाल के बाद दूल्हा और दुल्हन को स्टेज पर शोपीस की तरह अकेले बिठा के सब लोग इधर उधर खिसक लिए। पोद्दार साहब ने देखा कि दोनों की निगाहें बेचैनी से इधर उधर भटक रही हैं। अपना कैमरा संभालते हुए वो दूल्हा दुल्हन के पास पहुंचे। उनकी होने वाली बहू दरअसल काफी देर से पानी मांग रही थी, तीन लोगों से अब तक कह दिया गया था, लेकिन जैसा कि अक्सर हो जाता है किसी को भी उनके लिए पानी लाने की याद नहीं रही। खैर, पोद्दार बाबू जाके दुल्हन के लिए पानी लेने चले गए। पानी लेके जब वो स्टेज पे वापस लौटे तो देखा वही मनमोहिनी, वही मृदुभाषिणी दुल्हन को पानी पिला रही थी। पोद्दार बाबू को पानी का ग्लास हाथ में लिए देख के वो मुस्कुराई और बोली, सॉरी आपको परेशान होना पड़ा, मैं कुछ काम में फंस गई थी इसलिए देरी हो गई। पोद्दार बाबू के दिल का फ्यूज एक बार फिर उड़ गया। सुंदरी ने पानी का खाली गिलास पोद्दार बाबू के हाथ में पकड़ी ट्रे पे रखा और फिर ट्रे उनके हाथ से उठाती हुई बोली, थैंक यू, और मुस्कुराता हुआ एक बाण छोड़ के वहां से चल दी। पोद्दार बाबू का दिल न सिर्फ गार्डन गार्डन हो गया था बल्कि उसमें प्यार के फूल भी खिलाए थे, और उस मधुर भाषिणी के साथ पोद्दार बाबू उस गार्डन में प्यार के ड्यूट सॉन्ग भी गाने लगे थे। फेरों की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन पोद्दार बाबू का मन शादी की रस्मों में कहां लग रहा था। उनका मन तो उसी सुंदरी में अटका हुआ था जो एक झलक दिखा के न जाने कहां गायब हो गई थी। खोजी पत्रकारिता के गुण रखने वाले अपने कुछ मित्रों की मदद से पोद्दार बाबू अब तक पता लगा चुके थे कि वो सुंदरी, जिसका नाम स्वीटी था, जो दुल्हन की रिश्ते की बहन थी और जो कुछ ही महीने पहले याद शहर डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री की लैब अटेंडेंट बन के आई थी और जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था और जो विवाह करने को तत्पर भी नहीं थी, उसके साथ पोद्दार बाबू का टाका, भद्रजनों की भाषा में मेल होने का प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न की परवाह पोद्दार बाबू को नहीं थी, उनको बस उत्तर जानने की ख्वाहिश थी और उसके लिए स्वीटी जी से मिलना परम आवश्यक हो चुका था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। कभी फूल लाने के बहाने, कभी पूजा की थाली देने के बहाने पोद्दार साहब ने दुल्हन पक्ष की ओर सब तरफ देख लिया था, लेकिन स्वीटी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर तक कोशिश कर लेने के बाद पोद्दार बाबू को उस पापी पेट की याद आई जिसने अति उत्साह में सुबह से भूख हड़ताल कर रखी थी और इस वक्त जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तुम मुझे खाना दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। स्वीटी जी को अभी इसी वक्त तलाश करने का कार्यक्रम स्थगित करके पोद्दार बाबू खाने के स्टॉल की ओर बढ़े, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि उनको लगा कि स्वीटी जी को तलाश कर लेने का विकल्प ही बेहतर था। पोद्दार बाबू वापस मुड़ ही रहे थे कि विक्की के पापा, पोद्दार बाबू के रिश्ते के भाई, हाथ में गुलाब जामुन से भरी प्लेट लेके सामने पहुंच गए और दो गुलाब जामुन उनके मुंह में ठूंस दिए। ठीक उसी वक्त उनकी प्राण प्रिया, उनकी भावी जीवन संगनी माने स्वीटी जी सामने आके खड़ी हो गई। गरम गरम गुलाब जामुन से सिर्फ पोद्दार बाबू का मुंह जल रहा होता तो कोई बात नहीं थी, गुलाब जामुन की चाशनी उनके होठों के साथ उनके कपड़ों को भिगो रही होती तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जब स्वीटी जी उनके सामने पहुंची तो पोद्दार साहब के मुंह में दो दो गुलाब जामुन भरे हुए थे और उनका मुंह फूल के गोलगप्पा हो गया था। वैसे इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन स्वीटी जी को अपनी हालत पे मुंह दबा के हंसते देखा तो पोद्दार साहब की सारी इज्जत जैसे चाशनी में डूब गई। उन्होंने जल्दी से दोनों गुलाब जामुन निगल लेने की कोशिश की, लेकिन छोटा सा गला बेचारा कितना जुल्म सहता। पोद्दार साहब को जोर से खांसी आ गई और खांसते खांसते उनकी आंखों में आंसू भर आए। तब उनकी स्वीटी जी भाग के उनके लिए एक गिलास में पानी ले आई, पानी के बदले पानी, प्यार के बदले प्यार। उस रंगहीन गंधहीन स्वादहीन द्रव में जैसे स्वीटी जी का पूरा प्यार घुला हुआ था, कम से कम पोद्दार बाबू को तो ऐसा ही लगा। आप ठीक हैं?
स्वीटी जी ने पूछा। पोद्दार बाबू के कानों में वायलिन की धुन बजने लगी। स्वीटी जी के मुंह से निकले प्यार के पहले तीन शब्द, आप ठीक हैं? इन्हीं तीन शब्दों को वो बार बार रिवाइंड करके सुनने लगे। पोद्दार बाबू ने तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ स्वीटी जी से करेंगे। दुनिया की कोई ताकत अब उनको रोक नहीं सकती। शादी की एक रस्म में जिसमें बारातियों पर दुल्हन पक्ष की ओर से ताने, उलाहने, मजाक की बारिश की जाती है, उसमें पोद्दार साहब अकेले योद्धा की तरह जमे हुए थे। उन्होंने जवाबी गीत गा गा के घरातियों को चुप करा दिया था। दूल्हे पक्ष के लोग उनके लिए तालियां बजा रहे थे, पर स्वीटी जी ने भी मुस्कुरा के उनकी तारीफ की। सातवें आसमान पर न पहुंचते पोद्दार बाबू तो कहां जाते स्वीटी जी की तारीफ सुन के। बारात दुल्हन को लेकर घर वापस लौट रही थी, पर पोद्दार बाबू अब तक उसी मंडप के पास मंडरा रहे थे, वहीं से जहां से उन्होंने दूल्हा दुल्हन की आड़ में चुन चुन के स्वीटी पे गुलाब के फूल बरसाए थे। और स्वीटी जी ने मुस्कुरा के उनको प्यार का सिग्नल दे दिया था। मतलब फिजिकली तो वो बारात के साथ लौट आए थे, लेकिन उनका मन वहीं रह गया था, स्वीटी जी के पास। पोद्दार बाबू ने जोश में आके सोच तो लिया था कि वो स्वीटी जी से शादी करेंगे, लेकिन शादी करेंगे कैसे? आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। इससे पहले कभी प्यार नहीं किया था पोद्दार बाबू ने, इसलिए जानते नहीं थे कि प्यार का इजहार कैसे करते हैं। तब तक तारनहार मित्रों ने सलाह दी कि उनको अपनी मूछें मुंडवाकर, बाल कटवाकर भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। पोद्दार बाबू को इसमें कोई एतराज भी नहीं था। इससे एक तो वो शिवजी से फेस टू फेस प्रार्थना कर सकते थे कि स्वीटी जी के दिल में उनके लिए प्यार का दिया जला दें, दूसरा मंदिर के बहाने स्वीटी जी से मुलाकात हो सकती थी। जैसा कि उनके मित्र पहले ही बता चुके थे कि स्वीटी जी रोज शिवजी के मंदिर में आती हैं, और जैसा कि उनके मित्र पहले ही बता चुके थे कि उनको मूछों और लंबे बालों वाले लड़के पसंद नहीं है, तो जो स्वीटी जी को पसंद था वो रूप धर के पोद्दार बाबू सुबह सुबह शिव मंदिर पहुंच गए। ये अलग बात है कि स्वीटी जी ने उनको इस मूछमुंडे अवतार में पहचाना नहीं, और पोद्दार बाबू को अपना इंट्रोडक्शन फिर से करवाना पड़ा। जी मैं पोद्दार बाबू, वो शादी में मिले थे सुभाष जी का भाई, विक्की का चाचा। पोद्दार बाबू अपने इंट्रोडक्शन में करीब करीब सारे रिश्तेदारों का नाम ले चुके थे, लेकिन स्वीटी जी ने उनको पहचाना नहीं। आपकी चचेरी बहन का चचेरा ससुर, कहते कहते पोद्दार बाबू की आवाज बुझने लगी। ओ मिस्टर फोटोग्राफर, लेकिन ये क्या हुलिया बना लिया आपने? अच्छे तो लगते थे आप मूछ में, कटवा क्यों ली? स्वीटी जी ने पूछा। अब क्या बताऊं क्यों कटवा ली, पोद्दार बाबू ऐसे बोले जैसे उनकी मूछ नहीं नाक कट गई हो। घर पहुंच के गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए मित्रों को तो पोद्दार बाबू ने जो कहा सो कहा, पर इस मूछ प्रकरण के बाद उनकी योजना में थोड़ा व्यवधान आ गया था। स्वीटी जी के सामने इस रूप में जाने में उनको शर्म आ रही थी, इसलिए तय हुआ कि मूछें उग जाने तक उनको इंतजार करना होगा। एक हफ्ते बाद जब उनकी मूछें उग आईं, तो स्वीटी जी से मुलाकात की अगली पटकथा तैयार की गई। पोद्दार बाबू अपने सवालों और स्वीटी जी के संभावित जवाबों को गायत्री मंत्र की तरह रट चुके थे। वो स्वीटी जी को देख के चौंकेंगे, फिर स्वीटी जी उनको बताएंगे कि वो केमिस्ट्री की लैब अटेंडेंट है, और वो उनको बताएंगे कि जिस केमिस्ट्री में वो कभी पास नहीं हो पाए वो उनको कितनी पसंद है, वगैरह वगैरह। योजना के अनुसार पोद्दार बाबू को शाम 5 बजे अचानक यादशहर डिग्री कॉलेज की ओर कुछ काम पड़ा, और इत्तेफाक देखिए कि स्वीटी जी की छुट्टी भी उसी वक्त हुई। रिश्तेदारी की बात थी, स्वीटी जी सामने दिख गई तो पोद्दार बाबू उनको इग्नोर थोड़े कर सकते थे। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? पोद्दार बाबू ने ऐसी हैरानी से पूछा जैसे 8वां अजूबा देख लिया हो दुनिया का। ऐसे मौकों पर अक्सर ओवर एक्टिंग की गुंजाइश बन ही जाती है, और फिर पोद्दार बाबू एक्टिंग भी तो पहली बार ही कर रहे थे। हाँ पर आप यहाँ कैसे, स्वीटी जी बोली। पोद्दार बाबू चकरा गए। स्वीटी जी का जवाब उनकी बनाई स्क्रिप्ट से मैच नहीं कर रहा था, लेकिन बीच प्ले में संवाद बदलने का जोखिम पोद्दार बाबू उठा नहीं पाए। अरे वाह, केमिस्ट्री तो स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, पोद्दार बाबू ने कहा तो स्वीटी जी उनको ऐसे देखने लगी जैसे उनके सर पे सींग उगाया हूं। बात बिगड़ रही थी, लेकिन वो पोद्दार बाबू ही क्या जो बिगड़ी बात को बना ना ले। आपके हाथ में केमिस्ट्री की किताब देखी तो पुराने दिन याद आ गए, पोद्दार बाबू बोले, और स्वीटी जी हंस पड़ी। शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन पोद्दार बाबू के इतिहास को देखते हुए इसको इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता था। प्यार के रास्ते पर
पोद्दार बाबू ने पहला कदम उठा लिया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जैसी पोद्दार बाबू की जिंदगी स्वीटी जी के आने के बाद रंगीन सिनेमा हो गई थी। भूरी, सलेटी, सफेद रंग की अपनी सारी शर्टें पोद्दार बाबू अटैची में बंद करके रख चुके थे। उनका दिल, उनकी जिंदगी, यहां तक कि उनके अंग वस्त्र भी स्वीटी जी के रंग में रंगने लगे थे। मोहब्बत की राह पे कुर्बान होने चले पोद्दार बाबू ने अपने लिए गुलाबी रंग की शर्ट खरीद ली थी, पर अब उसको पहने कैसे? बहुत देर से चारपाई पे कमीज आराम से लेटी हुई थी और पोद्दार साहब पैंट के ऊपर अंडर शर्ट पहने कमरे में यहां से वहां चक्कर लगा रहे थे। पोद्दार साहब के मित्रों ने ही उनके लिए इजहार मोहब्बत की खातिर आज का दिन चुना था। स्वीटी जी के पसंदीदा रंग के कपड़े पहनने का विचार भी उन्हीं का था। अच्छी तरह तैयार होने के बाद पोद्दार बाबू ने अलमारी से वो अंगूठी निकाली जो उन्होंने स्वीटी जी के लिए खरीदी थी और जो 2 महीने से रोज उनके साथ स्वीटी जी से मिलने जाती थी और उनकी तरह रोज घर भी वापस आ जाती थी। शाम को कॉलेज गेट के सामने वाली पान की दुकान के सामने स्वीटी जी का इंतजार करते करते पोद्दार बाबू को 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया था। इंतजार की ये घड़ियां इसलिए और भी ज्यादा लंबी हो रही थीं क्योंकि उनकी शुद्ध गुलाबी रंग की कमीज को देख के एक आध कन्याएं आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करते हुए उनके सामने से गुजर चुकी थी। पान वाला भी पोद्दार बाबू में कुछ ज्यादा ही रुचि ले रहा था। उसने पोद्दार बाबू की ओर देखा और पान खाने से रंग गए अपने दांतों को चमकाते हुए बोला, आज नहीं आई शायद। पोद्दार बाबू की तो जैसे चोरी पकड़ ली गई हो। उनका चेहरा सफेद पड़ गया लेकिन आवाज को सख्त बना के उन्होंने कहा, कौन? पान वाला थोड़ा सकपका गया। पान के पत्ते पे कत्था रगड़ते हुए बोला, वो आपकी बहन आती है ना रोज, मैंने सोचा आप उन्हीं की राह देख रहे होंगे। पोद्दार बाबू का दिल किया कि एक कत्था चूना सब उस पान वाले के चेहरे पे रगड़ दे। कोई और दिन होता तो इसमें शक नहीं कि वो ऐसा सही में कर डालते, पर आज मामला दिल का था और उनके दिल की मल्लिका सामने से चली आ रही थी। पोद्दार बाबू तैयार थे कि जैसे ही स्वीटी जी आएंगी वो इंश्योरेंस पॉलिसी के विज्ञापन के बाद आने वाली चेतावनी की तरह एक ही सांस में अपने दिल की बात उनसे कह देंगे कि स्वीटी जी, जब से आपको देखा है मेरी दिन की नींद, रातों का चैन उड़ गया है। अगर आपने मुझसे प्यार करने के लिए हाँ नहीं कहा तो मैं सीता मैया की तरह धरती में समा जाऊंगा, आग में कूद जाऊंगा, समुद्र में बह जाऊंगा। और जैसे ही स्वीटी जी आई उनकी बोलती बंद हो गई। हाय रे पोद्दार बाबू, साथ में जीवन बिताने की बात तो दूर, वो एक कप चाय साथ पीने के लिए भी स्वीटी से पूछ नहीं पाए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। पिछले कई दिनों से पोद्दार बाबू स्वीटी जी से मिल नहीं पाए थे। स्वीटी जी के कॉलेज में छुट्टी थी और उनके घर के आसपास कई चक्कर लगाने के बाद भी पोद्दार साहब को उनके दर्शन नहीं हो पाए थे। आज भी वो 2 घंटे से स्वीटी जी की गली में घूम रहे थे। स्वीटी जी तो नहीं दिखी लेकिन पीछे से किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। पोद्दार बाबू चौंक के पीछे मुड़े। उनके पीछे यानी अब उनके सामने लल्लू खड़ा था। ये वही लल्लू था जिसने पहली कक्षा में पोद्दार बाबू के साथ ही पढ़ना शुरू किया था लेकिन 10वीं तक पहुंचते पहुंचते थक गया था और 12वीं में तो हांफते हुए गिर ही पड़ा था। पोद्दार बाबू बन गए ट्रांसपोर्टर और लल्लू की हैसियत पोर्टर से आगे बढ़ नहीं पाई थी। लल्लू की जिंदगी की 2 ही उपलब्धियां थी, एक उसकी पत्नी और दूसरा उसका 6 साल का बेटा जो वैसे तो अभी से उनके 5 चिन्हों पे चल रहा था लेकिन पोद्दार बाबू के पास न तो पत्नी थी और बेटा होने का सवाल ही नहीं था और लल्लू इस बात का मानसिक सुख लेना जानता था। अरे पोद्दार बाबू, यहाँ कैसे? कोई लड़की वड़की देखने आया क्या? अच्छा है, अब कब तक कुंवारे रहिएगा? लल्लू ने पोद्दार बाबू की दुखती रग पे पैर रखते हुए कहा। पोद्दार बाबू को लगा कि धरती फट जाए और वो लल्लू को उसमें धकेल दे लेकिन वो कुछ कहते इससे पहले एक कोयल कूकी। पोद्दार बाबू ने मुड़ के देखा, स्वीटी जी ही थी। पोद्दार बाबू आप आइए, आइए ना, स्वीटी जी बोली। तो पोद्दार बाबू ने छाती चौड़ी करके लल्लू की ओर देखा। लल्लू नजरें चुराता हुआ किनारे हो लिया। पहली बार ससुराल में कदम रखते हुए दुल्हन के पैर भी क्या कांपते होंगे जितने स्वीटी जी के घर में जाते हुए पोद्दार बाबू के कांप रहे थे। बैठक के सोफे पे बैठे पोद्दार बाबू मौसम से लेके महंगाई तक और नेताओं से लेके क्रिकेटर तक सब बात कर चुके थे लेकिन मुद्दे की बात स्वीटी जी नहीं कही। पोद्दार बाबू, मैं शादी कर रही हूं। जैसे कहीं कुछ ज्वालामुखी फूटा हो,
पोद्दार बाबू को लगा कि ज्वालामुखी की धमक उनके दिल में भी उठी है। पोद्दार बाबू अपने थरथराते दिल को संभालने की कोशिश कर रहे थे और स्वीटी जी का बोलना जारी था। एक बुद्धू सा लड़का है, बहुत दिनों से पीछे पड़ा था, कई बार तो घर के सामने तक पहुंच गया। स्वीटी जी ने कॉफी के मग में चम्मच हिलाते हुए कहा, फिर एक पल रुक के बोली, वैसे मैंने आपको भी कई बार अपनी गली में घूमते देखा है। यूं तो यह खुशी की अधिकता थी या समझ की कमी, कुछ कंफ्यूज आते हुए, सर खुजाते हुए पोद्दार बाबू अब भी स्वीटी की ओर ही देख रहे थे। स्वीटी जी ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और बनावटी गुस्से में बोली, इतने महीनों से मेरी जो अंगूठी अपनी जेब में लिए घूम रहे हैं, अब तो पहना दीजिए या वो भी मैं ही करूं। बस इतनी सी थी कहानी।